that is developing in from Madhya Pradesh right now, and we are joined by the Computer Baba live here on the broadcast. Computer Baba ji, aapko MoS rank ka darja kyon mila hai? हम लोगों को एक समिति का गठन किया गया है. एक समिति का काम जन जागरण का है. 24 घंटे दौड़ने का पूरे मध्य प्रदेश में दौड़ने का काम है. तो वो दौड़ में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना फैले, किसी अधिकारियों से बात हो सके, गाड़ी घोड़ा से 24 घंटे दौड़ना पड़ेगा. इसलिए उस सुविधा के लिए यदि मध्य प्रदेश सरकार ने हमें कोई सुविधाएं दी हैं तो सरकार को, शिवराज सरकार को, संत समाज उन्हें धन्यवाद देती है. अच्छा, आपने सरकार को तो धन्यवाद दे दिया, लेकिन हमें यह बताइए कि आप तो 15 दिन की नर्मदा स्कैम यात्रा निकालने वाले थे मई के महीने में. उस यात्रा का अब क्या होगा और क्या वो स्कैम आप भूल गए हैं? जी देखिएगा, हमारी सरकार है ये भगवा की सरकार है, ये संतों की सरकार है, और हमारी सरकार से अपनी बात रखने का अधिकार है हमारा. हमने अपनी बात को रखा. आपकी डील हो गई है हमारे सरकार से, आप तो बोल रहे हैं हमारी सरकार, क्योंकि हमारे We'll also request our producers to put out that entire poster. Computer Baba ji, हमें वो poster भी मिला है जहां पर आपकी तस्वीर साफ नजर आती है और आपने पूरा एक 12 से 14 उसमें suggestions डाले हैं कि कैसे ये सब कुछ घोटाला हो रहा है और कैसे आपने सरकार को कुछ सुझाव दिए हैं. ये तस्वीरें देखिए हमारे टेलीविजन स्क्रीन्स पर इस समय चल रही है और आप ये कहते हैं कि आपकी सरकार हो गई, आप ये घोटाला भूल गए. देखिएगा, हमारी सरकार है और दायित्व होता है कि अपनी सरकार से अपनी बात बोलने का सबको अधिकार है. हमारे साधु संतों की सरकार है तो हमारे अपने हमारे मुखिया हैं, हमारे शिवराज हैं, हम अपनी बात बोलने का हमारा अधिकार. हमने अपनी बात को बोला और हमने अपनी बात में बोला कि क्यों ना हमें संतों की एक समिति बना दी जाए. मई के महीने में आपका ये पूरा रथ यात्रा होने वाली पोस्टर में लिखा है. अब आप मुझे कहते हैं कि आपकी सरकार बन गई. हाँ, तो आप पोस्टर में देखिएगा, डील कर ली है शिवराज सिंह चौहान सरकार के साथ. आप पोस्टर में देखिएगा, बिल्कुल नहीं देखिएगा. आप पोस्टर में देखिएगा, अरे ये घोटाला था या नहीं था ये बताइए ना, कि आप जनता को बेवकूफ बना रहे थे. कंप्यूटर बाबा, आप हमें ये बात बताइए, तब ये घोटाला था या नहीं था? देखिए, नर्मदा घोटाला रथ यात्रा घोटाला किसने किया? देखिएगा, मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि ये संतों की सरकार है और हम साधु संत जो है सरकार में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. अरे आप घोटाले के बारे में बात बोलने का अधिकार है. तो हमने अपनी बात को बोला, अपनी मांग रखी. देखिएगा, शिवराज सरकार का क्या होगा? अब जनता आपसे ये पूछेगी कि इस घोटाले का क्या हुआ चाहिए. घोटाले का तो प्रश्न नहीं उठता, यात्रा का तो प्रश्न नहीं उठता. अब घोटाले का प्रश्न नहीं उठता. सरकार ने जो कार्य किए हैं कंप्यूटर बाबा, यानी 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 कि अब तस्वीर साफ हो गई है. आपने घोटाले को लेकर पोस्टर बनाया, बोला कि आप यात्रा करेंगे, शिवराज सिंह चौहान सरकार से आपकी बात हो जाती है, आपको एक सरकारी ओहदा मिल जाता है, घोटाला खत्म. बिल्कुल नहीं, हम नहीं, इस कुछ संत हम लोगों ने अपनी बात को रखी थी और सरकार ने हमारी बात को मानी. एक समिति का गठन कर दिया और समिति जो है पूरे कार्य करने कैसे में माना? कैसे माना? क्या डील हुई आप दोनों के बीच में? बनी रहे कंप्यूटर बाबा, आज देश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि क्या डील हुई है शिवराज सिंह चौहान और आप लोगों के बीच में. देखिएगा, 31 तारीख को हम लोगों ने, संत समाज ने 250 संतों के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में साफ सुथरी. नहीं नहीं, मुझे संतों की बातें मत बताइए, मुझे सिर्फ ये बात बताइए कि अगर 2 महीना पहले तक वो घोटाला था, आज वो घोटाला खत्म कैसे किया गया है? क्या डील हुई है आप लोगों के बीच में? देखिएगा, हमने बोला ना कि हमने जो मांग रखी थी उसमें समिति का गठन किया जाए और समिति का गठन किया दिया सरकार ने, इसलिए धन्यवाद की पात्र है सरकार और उन्होंने भरोसा जताया है शिवराज सरकार ने संतों के प्रति. नहीं तो देखिए ना, घोटाला आप भूल गए, अब आप कहते हैं घोटाला भी नहीं है, आपको मंत्री का एक ओहदा मिल गया तो बात खत्म हो गई. यानी कि मंत्री पद के पीछे आप पूरा घोटाला भूल गए, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया सरकार के साथ. बिल्कुल गलत बात है. देखिएगा,
शिवराज सरकार जो है शुरू से संतों के प्रति आस्था रखती थी, नर्मदा यात्रा निकाली उन्होंने, एकात्म यात्रा निकाली और सभी संतों, ये संतों के साथ की सरकार नहीं है ना, ये आम जनता की सरकार है कंप्यूटर बाबा, एक सेकंड, नहीं नहीं कंप्यूटर बाबा मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप घोटाला भूल जाते हैं, आप जाकर शिवराज सिंह चौहान के साथ एक डील कर लेते हैं, आपको मंत्री पद का ओहदा मिल जाता है, इससे नर्मदा का क्या होगा? गलत, नर्मदा जो है स्वच्छ और साफ बहेगी, ये होगा, हम साधु समाज हमारे अनुयायियों के साथ हम लोग दोनों अरे तो अभी तक क्या किया है सरकार ने, और अब आपके मंत्री बनने के बाद, आप मंत्री तो बन गए, आप मंत्री बन गए इस पूरे पोस्टर के बाद आगे क्या होगा? हम लोग पूरी मेहनत और सरकार ने जो हम लोगों पे भरोसे जताया उस पे हम अमल करके और पूरा कार्य करेंगे। नहीं नहीं अब आप मुझे बताइए कि आपको कंप्यूटर बाबा क्यों कहा जाता है, क्यों आपको कंप्यूटर बाबा कहा जाता है, क्यों आपको मंत्री पद का ओहदा मिलना चाहिए? देश की जनता ये जानना चाहती है कि शिवराज सिंह चौहान के पास क्या कोई भी और काबिल व्यक्ति नहीं है कि आपको एमओएस रैंक का दर्जा मिलेगा? क्यों साधु संतों को नहीं होना चाहिए क्या, आपको क्या लगता है क्या करेंगे? अच्छा आपको मंत्री बना दिया गया, अब आप आगे क्या करेंगे ये बताइए। सुनिएगा सुनिएगा अरे बाबा जी ये बताइए आगे क्या करेंगे? तो राम आपका नाम तो कंप्यूटर बाबा है, सब कहते हैं कि आपका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, तो आप अपने कंप्यूटर से तेज दिमाग से मुझे अब बताइए कि आप आगे क्या करेंगे लोगों के लिए? हम लोगों के लिए नर्मदा के दोनों तटों में मध्य प्रदेश में हरियाली का पूरी कोशिश करेंगे कि हरियाली बनी रहे, जो पेड़ पौधे पौधों लगाने की कोशिश जनता जनार्दन भी करेगी, हम सब भी करेंगे और लोगों को संदेश देंगे एवं नर्मदा को स्वच्छ और साफ रखेंगे, जल संग्रहण नदी नाले तालाब में पर्याप्त जल रह सके उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और ये भी खबर है बाबा जी कि आपके पास अपना हेलीकॉप्टर है, हमें उसके बारे में भी बताइए। बिल्कुल गलत बात है, ये भक्तों का हेलीकॉप्टर हमारा हेलीकॉप्टर नहीं है, हमें तो भक्त लोग जहां ले जाते हैं कोई कार्यक्रम में वो हम लोग हेलीकॉप्टर से चलते हैं। भक्तों का हेलीकॉप्टर है, आप जो भी भक्त जिस गाड़ी से ले जाते हैं, ऐसे कौन से भक्त है बाबा जी जिनके पास इतना पैसा है कि उन्होंने आपको एक हेलीकॉप्टर दान में दे दिया है, और बताइए हमें इसके बारे में। मुझे दान में मिला ही नहीं है, आपको गलत जानकारी है, हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं, आपको गलत जानकारी है, आप जानकारी सही ले। अभी तो आपने बोला कि भक्तों का हेलीकॉप्टर है, और बाबा जी इस समय आपको ये भी बता दूं, ना ही आप सिर्फ रिपब्लिक टेलीविजन पर लाइव है लेकिन हम अपनी फोन लाइंस खोल रहे हैं, बहुत सारे दर्शक आपसे सीधा बात करना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जब कंप्यूटर बाबा को मंत्री का दर्जा मिल जाएगा तो कंप्यूटर बाबा क्या करेंगे? हम अपनी ईमानदारी निष्ठा, मंत्री का दर्जा तो हमारा तो काम है काम करना, अब दर्जा तो सरकार का काम है कि काम कर। देखिए जो जिस योद्धा जैसा होता है उसको वैसे अस्त्र शस्त्र दिए जाते हैं, यदि सरकार ने हमारे कार्य को देखा कि इनका काम ज्यादा है रात और दिन दौड़ना पड़ेगा तो सुख सुविधाएं उन्होंने दी है, मगर हमें सुख से मतलब नहीं है। तो सरकार आपके काम से खुश है आप मुझे ये बता रहे हैं, लेकिन ऐसा आप क्या करेंगे देश? बाबा जी हमें ये बताइए कि मध्य प्रदेश के लोगों के लिए कंप्यूटर बाबा क्या करेंगे? कंप्यूटर बाबा जन जागरण करेंगे, नर्मदा का जल स्वच्छ और साफ रखेंगे, पूरे प्रदेश में पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करेंगे और जो है जल संग्रहण का काम करेंगे, नदी नाले तालाब में पर्याप्त पानी बना रहे जिससे जीवन सुखमय रहे, ऐसा काम करूंगा। और तो ये सब कंप्यूटर के जरिए होगा क्या बाबा जी? ये कैसे होगा? सरकार ने तो कहते हैं कोई काम नहीं किया, अब आपको मंत्री बना देंगे, आपको कंप्यूटर बाबा बोला जाता है, तो क्या कंप्यूटर के जरिए ये सब होगा? अभी तो आप कह रहे हैं मंत्री बना दिया जाएगा, अरे मंत्री तो बना दिया गया है, कैबिनेट का दर्जा दे दिया गया है, उसमें सुधार करें आप, और हम लोगों को जो है काम की गति हम लोग की जो है रहेगी वो हम साधु समाज जो है अपनी गति से पहले भजन पूजन साथ में ये काम भी करते रहेंगे। आपको धन्यवाद। तो आप मंत्री बनने के बाद भी भजन कीर्तन करते रहेंगे, देश की जनता क्या करेगी फिर? मध्य प्रदेश के लोग क्या करेंगे?
नहीं हम अभी अभी नहीं नहीं बाबा जी इंदौर ओके आई थिंक ही इज जस्ट टेकिंग ऑफ दैट ईयरपीस बट नो आंसर्स नो आंसर्स व्हेन वी आस्क हिम अबाउट द डील बाबा जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं नॉट श्योर इफ ही कैन हियर अस नो ही कांट हियर अस नाउ बट दैट इज अ मंत्री नाउ रिमेंबर इन द मध्य प्रदेश कैबिनेट MoS rank. MoS rank. Viewers, our phone lines are open. If you have a viewpoint on that story, call us quickly. We are back on the other side. On the other side, and we are getting one more Baba who's been accorded the MoS rank status back after this quick break.